इलेक्ट्रिक गाड़ियों की डीलरशिप कैसे ले सकते हैं। हर एक दिन ऑटोमोबाइल के शौकीन लोग व्यवसाय में सफल होने की इच्छा रख रहे हैं और अपनी खुद की ऑटोमोटिव फ्रेंचाइजी खोल रहे हैं। ऑटोमोटिव उद्योग फ्रेंचाइजिंग सेगमेंट में सबसे बड़े क्षेत्र में से एक है और कई संभावित निवेशकों के लिए आय का एक बड़ा स्रोत बन गया है। नए वाहनों को लगातार निर्मित और बेचा जाने के साथ बाजार में ऑटोमोबाइल शोरूम, कार वॉश और रखरखाव, ट्रैक्टर और फ्रेमिंग उपकरणों और बहुत कुछ में ऑटोमोटिव के बहुत सारे अवसर हैं। एक मोटर वाहन व्यवसाय के लिए कदम बढ़ाएं और अपने आप को एक उद्यमी के रूप में विकसित होते देखें। इसके लिए हर बड़ी कंपनी खुद की डीलरशिप दे रही है। विद्युत वाहनों को अपनाने और अनुकूलन में एक बड़ी बाधा ज्ञान की कमी है। अधिकांश इलेक्ट्रिक वाहन उपभोक्ताओं के लिए संपर्क का पहला बिंदु डीलर कर्मचारी होता है, जिसने उस वाहन के निर्माता से फ्रेंचाइजी ली हुई है। ये हम भी अच्छे से जानते हैं कि हम डायरेक्ट गाड़ी खरीदने कंपनी के कारखाने नहीं जाते, जाते हैं डीलर के पास जिसने उसकी फ्रेंचाइजी ले रखी है। डीलरशिप का कारोबार वार्षिक, त्रैमासिक और मासिक बिक्री के लिए संचालित होता है। डीलरशिप का अधिकांश ध्यान नई गाड़ियों के बेचने और उसके सर्विसिंग में होता है। मोटर वाहन बाजार में कई वर्षों की तरह तरह की क्रांति से गुजर रहा है। वर्तमान में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बहुत अधिक है, खासकर उद्योग, सेवा कंपनियों और सार्वजनिक प्रशासन में। ये वाहन प्रदूषित नहीं करते हैं, वे संलग्न कामकाजी वातावरण में बहुत अच्छी सेवा प्रदान कर रहे हैं। शहरी क्षेत्रों में भी, जहां वायु प्रदूषण की समस्या हमेशा बहुत अधिक है, वहां बहुतायत में इसका प्रयोग हो रहा है और इसमें बचत भी अच्छी है। इलेक्ट्रिक वाहन का लाभ। हाइब्रिड और प्लग इन इलेक्ट्रिक वाहन ईंधन अर्थव्यवस्था में सुधार, लागत और उत्सर्जन को कम करने में मदद कर रहा है। ऊर्जा सुरक्षा। भारत में परिवहन क्षेत्र में कुल ऊर्जा जरूरतों का लगभग 10% से ज्यादा उपयोग हुआ, जिसमें पेट्रोलियम में खपत कम हुई। हाइब्रिड और प्लग इन इलेक्ट्रिक वाहन आयातित पेट्रोलियम को कम से कम करने के उद्देश्य का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये भारतीय अर्थव्यवस्था का पूरा समर्थन करता है और भारत के परिवहन बेड़े में विविधता लाने में मदद करेगा। ये अधिक सुरक्षित है और इसे चार्ज करने के लिए घर में उपयोग होने वाली ऊर्जा स्रोत का उपयोग कर सकते हैं। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन आमतौर पर समान पारंपरिक वाहनों की तुलना में कम ईंधन का उपयोग करते हैं, क्योंकि वो पुनर्योजी ब्रेकिंग के माध्यम से वाहन दक्षता को बढ़ावा देने के लिए इलेक्ट्रिक ड्राइव प्रौद्योगिकियों को रोजगार देते हैं। इसे वापस रिचार्ज किया जा सकता है। प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहन और सभी इलेक्ट्रिक वाहन, जिन्हें बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन भी कहा जाता है। ईंधन की अर्थव्यवस्था, इसमें बेहतरीन ईंधन अर्थव्यवस्था है। इसमें समान पारंपरिक वाहनों की तुलना में ईंधन की लागत कम होती है। लागत पारंपरिक वाहनों की तुलना में हाइब्रिड और प्लग इन इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए ऊर्जा की लागत कम होती है, ये हमने जान लिया, पर खरीद मूल्य काफी अधिक हो सकता है। कीमतों में पारंपरिक वाहनों के साथ बराबरी की संभावना है, क्योंकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि होती है और बैटरी प्रौद्योगिकी परिपक्व होती रहती है। वाहन के आकार और इसकी बैटरी की क्षमता द्वारा निर्धारित राशि के साथ भारत सरकार सब्सिडी दे रहा है। चार्जिंग स्टेशन, सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन या इलेक्ट्रिक वाहन आपूर्ति उपकरण, गैस स्टेशन और पेट्रोल पंप की तरह सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन का एक राष्ट्रीय नेटवर्क स्थापित कर रही है। बैटरी प्लग इन इलेक्ट्रिक वाहनों में उन्नत बैटरी का डिजाइन लंबे समय के लिए किया गया है। प्लग इन वाहनों के कई निर्माता 8 वर्ष से 10,000 मील की बैटरी वारंटी दे रहे हैं। नेशनल ट्रिब्यूनल एनर्जी लेबोरेटरी द्वारा प्रोडक्टिव मॉडलिंग इंगित करता है कि आज की बैटरी 12 से 15 साल तक मध्यम जलवायु तक रह सकती है। हालांकि निर्माताओं ने प्रतिस्थापना बैटरी के लिए मूल्य निर्धारण प्रकाशित नहीं किया है। यदि बैटरी को वारंटी के बाहर बदलने की आवश्यकता होती है तो ये एक महत्वपूर्ण खर्च हो सकता है। बैटरी की टेक्निक में सुधार और उत्पादन की मात्रा बढ़ने के कारण बैटरी की कीमतों में गिरावट की उम्मीद है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लाभ स्पष्ट हैं। 20 से अधिक निर्माता अब अगले साल लॉन्च होने के लिए और भी अधिक निवेश कर रहे हैं। लोगों द्वारा बढ़ती पसंद का मतलब है कि बजट और उपयोगकर्ता की जरूरतों के लिए इलेक्ट्रिक कार की डिमांड को पूरा करना है। इलेक्ट्रिक कार पर विचार करते समय ड्राइवर्स को भी अग्रिम लागतों से परे देखने की जरूरत है। इलेक्ट्रिक ड्राइविंग के सबसे बड़े फायदे में से एक ये सुधार है, हम पर्यावरण में रह सकते हैं। शुद्ध इलेक्ट्रिक वाहनों में टेलपाइट नहीं होता है, इसलिए वो किसी भी निकास गैसों का उत्सर्जन नहीं करते, जो विशेष रूप से भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में स्थानीय वायु प्रदूषण को कम करता है। इलेक्ट्रिक कारें अपने निवासियों के स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए, वायु गुणवत्ता को साफ करने के लिए चुनौती दी गई परिषदों के लिए एक आकर्षक समाधान है। कुछ क्षेत्रों में प्रवेश करने से प्रदूषण फैलने वाले वाहनों को हतोत्साहित करने के लिए डिजाइन किए गए शुल्क के साथ स्वच्छ वायु क्षेत्र शुरू किए जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक कार का एक मुख्य लाभ इन शुल्कों से मुक्त किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों के डीलरशिप लेना आसान होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन का चार्जिंग स्टेशन खोलने पर जहां पहले 12% GST प्रावधान था, अब उसे कम करके 5% कर दिया गया है।
अगर आप भी सोच रहे हैं तो इसका लाभ ले सकते हैं, क्योंकि भारत सरकार पहले चरण में चुनिंदा 12 जगहों को नॉमिनेट किया है जहां पर इसके लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। कैसे लें डीलरशिप? जिस भी इलेक्ट्रिक गाड़ियों का डीलरशिप लेना चाहते हैं उसकी सबसे पहले लिस्ट बना लें कि कौन कौन सी वो कंपनियां हैं जो इलेक्ट्रिक वाहन बना रही हैं और बेच रही हैं। इसके बाद उनकी वेबसाइट ओपन करें और फ्रेंचाइजी वाले सेक्शन में जाएं। उदाहरण के लिए हीरो मोटोकॉर्प की वेबसाइट पर जाइए, इसका लिंक आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पा सकते हैं। पेज पर जाते ही वो एक फॉर्म दिखाई देगा, फॉर्म में पूछे गए नाम ब्लॉक में अपना पूरा नाम दर्ज करें। इसी तरह फॉर्म में पूछे गए सभी सवालों का सही से जवाब दें, जिसमें आपकी उम्र, शैक्षणिक योग्यता, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और पते की जानकारी देनी होगी। फॉर्म में स्टेट और सिटी वाले ऑप्शन में वही लोकेशन लिखें जहां आप अपनी फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं। साथ में ये भी बताएं कि आप जिस पर दुकान खोलना चाहते हैं वो किस प्रकार की है, खुद की है या रेंट पर, कितना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट में विकल्प मौजूद रहेंगे, करंट बिजनेस क्या है, किस नाम से ओपन करना चाह रहे हैं, टर्नओवर कितना है और ऐसे ही अन्य सवालों के जवाब सही सही फॉर्म में भरें। इसी तरह आप किसी भी कंपनी की फ्रेंचाइजी लेने के लिए उस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर इलेक्ट्रिक वाहन या चार्जिंग स्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद कंपनी आपके एप्लीकेशन को रिव्यू करके आपसे कॉन्टैक्ट करेगी। कॉन्टैक्ट करने के बाद वो आपके एरिया का निरीक्षण करेगी। निरीक्षण तब करेगी जब कंपनी को भरोसा हो जाएगा कि ये व्यक्ति हमारी डीलरशिप के लिए उपयोगी है। एक बार आपकी प्रोफाइल अप्रूव हो जाने के बाद डॉक्यूमेशन वर्क में कंपनी अपनी कुछ शर्तें रखेगी जिसे आप एक्सेप्ट करते हैं। सभी डॉक्यूमेशन हो जाने के बाद आपको डीलरशिप मिल जाएगी, उसके बाद अपनी शॉप खोल सकते हैं। साथ में कंपनी आपको वो सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करने में मदद करेगी जिससे ग्राहक आपसे हमेशा संतुष्ट रहें। इस तरह आप फ्रेंचाइजी लेकर अपना कारोबार चालू कर सकते हैं। आपके बिजनेस का सच्चा साथी।